वाली एक युवती ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उसने अपने परिवार के साथ फर्जी तरीके से वसीयत तैयार कर जमीन को हड़पने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची युवती का नाम रश्मि पुत्री अजय कुमार निवासी दचरीज पट्टी मोहल्ला थाना कोतवाली है। यह पीड़िता की ओर से एक शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें उसने बताया है कि वह अपने परिवार के साथ मकान नंबर 642 मोहल्ला दचरी चपट्टी में निवास कर रही है और अजय कुमार विनोद बाबू स्वर्गीय राम सिंह के पुत्र हैं। उसके पिता दिल्ली में मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते थे। कोविड-19 महामारी के तहत जब दिल्ली खाली हुई तो उसने आकर देखा कि उसके ताऊ ने अपने बेटे भानु प्रताप एवं यशवीर की सहायता से फर्जी वसीयत करा ली है, जबकि पीड़िता की दादी स्वर्गीय राजेश्वरी देवी पत्नी राम सिंह विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थी और वह भी हस्ताक्षर करती थी, जबकि वसीयत पर फर्जी तरीके से अंगूठा निशान लगाया गया है, जिसमें प्लॉट खेत संपूर्ण अचल संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। पीड़िता अब घर से बेघर हो गई है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है और उसके घर पर जो कब्जा किया गया है उसको कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है। हम दिल्ली में रह रहे थे काफी सालों से, क्योंकि यहाँ पे हमारी दादी सिंगल मदर थी तो हमारे फादर वहाँ कमा के यहाँ भेजते थे, जिससे खर्चा चले। जब हम यहाँ वापस आए रहने तो हमारे मकान पर हमारे ताऊ ने नकली वसीयत बनवा के पूरा कब्जा कर दिया है और हम यहाँ रहना चाह रहे हैं तो हमारे साथ मारपीट भी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, सुनवाई भी कोई नहीं होती है। वो सरकारी टीचर हैं, कहते हैं तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं बस हमें हमारा हक मिले, हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। हम कभी एक को नहीं लेके जाती, उन्होंने नकली वसीयत में बनवाया है कि सर उनके नाम करके।